आप एक ब्रेकिंग खबर से आपके रूबरू कराएंगे। मैट्रिक इंटर की परीक्षा ऑफलाइन होगी। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है, जानकारी ये जानकारी हमें मिली है, मार्च में हो सकते हैं मैट्रिक इंटर की परीक्षा। तो ये एक ब्रेकिंग खबर इस समय की, और निश्चित तौर पर कोरोना काल और उसके बाद फिर मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का आयोजन करना एक बड़ा चैलेंज भी है काउंसिल की तरफ से। लेकिन अगर सूत्रों के हवाले से खबर की अगर हम बात करें तो मार्च में ये परीक्षाएं हो सकती है। कौन सी परीक्षाएं, फिर से बता दें आपको, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा ऑफलाइन हो सकती है। हमारे साथ अजय लाल जी समय लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। अजय लाल जी, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है वो ये कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा ऑफलाइन हो सकती है, मार्च में परीक्षा का आयोजन हो सकता है, पूरी जानकारी आपसे तफ्तीश से चाहेंगे हम। बिल्कुल जिसान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो सूत्रों से जानकारी मिली, आधिकारिक सूत्रों से, अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा होने वाली है आगामी महीनों में वो ऑफलाइन होगी। तो 7.5 लाख परीक्षार्थियों के लिए जो पिछले कई दिनों से संशय लगा हुआ था कि परीक्षाएं ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, तो ये परीक्षार्थी मन में बिठा लें कि उन्हें अब परीक्षा सेंटर जाकर परीक्षा देनी होगी। तमाम तरह की परीक्षाएं ऑफलाइन होगी। यदि 8वीं बोर्ड की परीक्षा होती है निकट भविष्य में, या फिर 9वीं बोर्ड की होती है, या फिर 11वीं बोर्ड की परीक्षा होती है, किसी भी प्रकार की जो भी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी वो ऑफलाइन होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आधिकारिक सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। हालांकि अब से थोड़ी देर बाद सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, मीडिया को जानकारी देने वाले हैं। हो सकता है ये घोषणा वह भी करें, परीक्षा ऑफलाइन होगी। लेकिन न्यूज 11 के पास जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं ऑफलाइन होगी, और जो जानकारी मिली है कि अब परीक्षाएं मार्च के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जा सकती है जिसान, तो अभी की सबसे बड़ी खबर यही है जी कि मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थी या गांठ बांध लें, अपनी तैयारी वो जोरों से शुरू कर दें, उन्हें परीक्षा सेंटर जाके परीक्षा देनी होगी। तो ये अभी की सबसे बड़ी खबर है जिसान कि परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। अच्छा, अब अजय लाल जी, स्कूल खुलने की जो बात हुई थी उसके पीछे भी तर्क दिया गया, और जो डॉक्टर्स है उनसे भी जब एडवाइस लिए गए शिक्षा विभाग की तरफ से, तो यही बात सामने आई कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो बच्चों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है, और इससे बहुत ज्यादा जो है नुकसान नहीं देखने को मिला, क्योंकि आशंकाएं जाहिर की जा रही थी कि बच्चे इफेक्टेड हो सकते हैं, और यही वजह है कि स्कूल बंद थे। लेकिन अब ऑफलाइन भी परीक्षा कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सरकार भी पूरी तरह से ये तैयार है, क्योंकि झारखंड में स्कूल भी खुल चुके हैं, बच्चों की पढ़ाई भी पूरी तरह से लय में हो रही है, तो ये एक अच्छी खबर है। बिल्कुल जिसान, देखिए जो जानकारी मिली है सूत्रों के माध्यम से, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे थोड़ी देर बाद होने वाली है, लेकिन जो जानकारी मिली है कि जो 9 जिले हैं जहां पर कि 9वीं से ऊपर की कक्षाएं खुलेंगी, यानी कि 10th बोर्ड और 12th बोर्ड के लिए, उनकी कक्षाएं 4 फरवरी से शुरू हो जाएंगी, जो जानकारी मिली है। हालांकि आधिकारिक घोषणा जी कुछ करेक्शन है, शायद कुछ जानकारी मैं दे पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सूत्रों के हवाले से खबर जो हमारे सहयोगी अजय लाल जी बता रहे हैं, थोड़ी देर के बाद इस पर आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है, लेकिन हमने सूत्रों के हवाले से खबर दिखाया कि मार्च में परीक्षाएं मैट्रिक और इंटर की वो ऑफलाइन हो सकती है, ये संभावनाएं जाहिर की गई। बहुत शुक्रिया आपका अजय लाल जी तमाम जानकारी के लिए। घोषणा कर दिए हैं, ठीक है ठीक है, घोषणा कर दिए हैं। दूसरा है, आपदा प्रबंध प्राधिकार के की बैठक में संबंधित जिले से स्वास्थ्य विभाग परामर्श अनुसार लिए गए निर्णय के आलोक में रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, चात्रा, देवघर, सरायकेला एवं सिमडेगा, इन 7 जिलों का जो 9वीं वर्ग से 10वीं-12वीं वर्ग तक शिक्षण संस्था खोलने के जल्द ही पुनः, जैसे हम लोग 9वीं से खोल दिए हैं, लेकिन कुछ आपदा का रिपोर्ट आया था, लेकिन उसको जो नीचे क्लास हो रहा है उसको भी बहुत जल्दी खोलने का निर्णय ले लेंगे। तो 4 फरवरी से कक्षा 9 से ऊपर का खुलेगा? नहीं नहीं, ये 7 जिला का, 7 जिला का, 7 जिला में, 7 जिला में, 9वीं से ऊपर का, हाँ, और 17 जिला में, आपका रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद,
पाकुड़, साहेबगंज, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, खुट्टी, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, लोहरदगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, गिरिडीह, कोडरमा, इन 17 जिलों का 1 से 12 तक स्कूल खुलेगा 4 तारीख से। वहां हम लोग झारखंड के उन जिलों जहां कक्षा 9 से ऊपर शैक्षणिक संस्था खुल रहे हैं वहां कोचिंग संस्था भी खुलेंगे, कोचिंग भी खोलेंगे। अभिभावकों को सहमति के बाद ही बच्चों को स्कूल में प्रवेश की अनुमति होगी। बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई भी विकल्प होगा। झारखंड राज्य द्वारा आयोजित परीक्षाएं ऑनलाइन लेने की अनुमति है, ऑफलाइन अनुमति है। शिक्षकों छात्रों के लिए अनिवार्य होगा मास्क और सैनिटाइजर। परीक्षा ऑफलाइन होगी? हाँ, परीक्षाएं ऑफलाइन ऑफलाइन होगी। या मान लें कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा ऑफलाइन लेंगे आप, तो जैक की परीक्षा ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन? हमने कहा नहीं को ऑफलाइन होगा, सारे परीक्षा ऑफलाइन होगा। समय समय पर निर्गत कोविड दिशाओं को पालन करना भी होगा, जो उसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए कि कहाँ कोविड ज्यादा है। आपके सभी जिला में आपका आदमी है, प्रमुखता से देखते हैं, तो आपका भी सहयोग चाहिए। ये आप लोग से निवेदन पूर्वक कहेंगे। और बताइए, हम तो मेरा था समय पर अनुमान होता है, इसका समय है, एकदम समय पर परीक्षा होगा। जब झारखंड सबसे पहले परीक्षा लेता था पूरे देश में, बिहार में शुरू कर दो, कब बताइए? अरे हम आप ही लोग का कहने से इतना फास्ट किए हैं, तुरंत जैक का चेयरमैन को, उप चेयरमैन को बहाली किए हैं। एकदम समय पर होगा। क्लास जो मेरा है नया क्लास, उसका सफर नहीं करेगा। सर, कई राज्यों में जो स्कूल खोले गए तो वहाँ ऑड इवन रोल नंबर के आधार पर बच्चों को बुलाया जा रहा था ताकि 50% क्षमता के साथ आए। हम लोग कोई फीसदी नहीं है, पूरी क्षमता के साथ। कोविड को देखते हुए क्या कुछ व्यवस्था स्कूलों में की गई है बच्चों के लिए? हमने कहा ना कि मास्क, मास्टर भी मास्क पहनेंगे, बच्चे भी मास्क पहनेंगे और सैनिटाइजर भी होगा। वो तो भारत सरकार का चीज है, राज्य सरकार भी उसका दायित्व बनता है। WHO को गाइडलाइन से जो उम्र के बच्चों का जिस तरह का हम टीकाकरण होगा, हम आप लोग भी पढ़ते हैं, पढ़ते होंगे, हम भी पढ़े हैं, स्कूल में भी समय समय पर छापा देता था, तो ये भी होगा। नौवीं से बारहवीं तक के जो बच्चे हैं उनका कितने टीकाकरण हो चुका है? ये मेरे पास आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा ये आंकड़ा तो आपदा प्रबंधन के यहाँ है, मेरे यहाँ नहीं है। सर, राज्य की जनता जानना चाहती है कि क्या टाइगर भी परीक्षा में बैठेंगे इस बार? अरे कहा है, बार बार वाला पूछ रहे हैं।
आप बड़ी खोच करते हैं जी, खोच बने बुझो है। देखिए बिहार के आदमी बुझे ये समझ रहा। पैसा लेने के लिए यदि कहीं से शिकायत होगा